मॉर्निंग क्लास से। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैंने करवाए थे यहाँ पर ही। फिर आपको मैंने घर के लिए जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपका क्या था, 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। आई होप आप सभी लोगों ने होमवर्क किया होगा। आप सभी लोग अच्छे से होमवर्क करते रहिए। और आपको अगर क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वहां पर एक कमेंट का ऑप्शन है, उस कमेंट के ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन नंबर लिख देंगे बस। उसके बाद भी जब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो आप उस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको दोबारा समझाया जाएगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, स्कूल के फोन नंबर पर आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि फिर मैं आपको बता सकूंगी कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ओके, तो क्लास से आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया जाएगा। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है, यूजिंग द गिवन डिजिट्स 4, 1, 0, 5 and 7 राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब आपको 5 डिजिट दी गई और उससे आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। मतलब किसी भी डिजिट को दोबारा यूज नहीं करना। जैसे आपके पास डिजिट लिखी है 4, 1, 0, 5 and 7, तो आपको इन्हीं 5 डिजिट से क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने कल बताया था आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर में कभी भी 0 आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये भी बताया था कि अगर आप 0 को आगे लिख देंगे तो आपकी वो जो नंबर होगा वो 4 डिजिट का बन जाए, 5 डिजिट का नहीं रहेगा। इसलिए आपको 1 को आगे लिखना होगा, उसके बाद 0 लिखेंगे आगे, तो आपका ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट। देखिए यहाँ पर कोई भी दोबारा यूज नहीं किया, सब एक एक बार। सीबीसी तरीके से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 7, 5, 4, 1, 0। अब 0 को पीछे तो लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को पीछे लगाने पर हम उसको नंबर को 5 डिजिट नंबर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये 5th नंबर हो गया क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बन चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 58024 कैन बी रिटन एज 50,824। तो ये गलत है, ये गलत है। मतलब अगर अपना ये नंबर लिखा है तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम अगर पढ़ा तो 58024 क्या पढ़ेंगे, 58,024। ठीक है, तो आपका ये नंबर पढ़ा जाएगा। मतलब फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 का फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, देन सेकंड जो, सेकंड में क्या है 71089, मतलब 71,889 को रिटन है। क्या आप ऐसे लिखेंगे, देखो सही लिखा है क्या ये, हाँ सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आपका क्या करेंगे, आपका ये नंबर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड देखेंगे, वी रीड 5001 इज 5001 इन वर्ड्स, यस राइट, बिल्कुल सही है।
ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में प्लेस वैल्यू ऑफ एट इन नंबर 5385 इन 800 इज 800, मतलब ये आपका क्वेश्चन लिखा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये नहीं है, ये फॉल्स है। अब क्यों नहीं है यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्यों नहीं है, आपका ये नंबर है 5385। अभी देखो ये प्लेस कौन सी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो ये जो प्लेस टेंस वाली है, एट की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 800, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो आपका फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, सी क्वेश्चन नंबर 7, रीड, यूजिंग द गिवन डिजिट्स 9432 एंड 2, 9431 एंड 2, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अब आपको फिर से वही जैसे अपन ने फिफ्थ किया था बिल्कुल सेम, सेवेंथ है बिल्कुल सेम, उसी तरीके से ही करना है। सेवेंथ को क्या लिखा है, डिजिट है आपके, देखो कौन कौन सी डिजिट है, 9431 एंड 2, क्या है, 3, 1 एंड 2। तो अभी आपको इससे स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या जाएगा 1, 2, 3, 4, 9, यहाँ क्या जाएगा 9, 4, 3, 2, 1। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कैसे करना है, ये स्मॉलेस्ट डिजिट को बनाना और ग्रेटेस्ट डिजिट को बनाना, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 55,000, 50 कैन बी रिटन एज 50,000 प्लस 5,000 प्लस 0 100, 5 10s एंड 0 1s। यस, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है 77,397, तो क्या ये सही लिखा है, देखते हैं। चलो 7,900 ये गलत ही लिखा है, क्यों, क्योंकि 100 प्लेस पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 9 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, और थर्ड देखो 70,091, क्या ये इन दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये तो गलत लिखा है बिल्कुल। देखो 70,001 के बीच में कैसे आ सकता है 70,091, तो गलत है। तो आपका ये भी फॉल्स है। अभी फोर्थ देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, क्या प्लेस वैल्यू 6 की 600 है, यस है, क्योंकि 6 जो है वो 100 प्लेस पर है, इसलिए 6 की जो वैल्यू आएगी वो 600 आएगी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। उसके बाद ये मैंने सारे आपको होमवर्क के लिए देते, मैंने फिर भी यहाँ पर दोबारा करवा दिए, अब आप लोगों ने जिसने नहीं किए होंगे वो फिर से कर लें। अब देन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ चैप्टर नंबर 1, कल से आपका क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो आप जो भी आपको चैप्टर नंबर 1 में प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आओ, तो आप इंफॉर्मेशन दे दे स्कूल में और या फिर कमेंट में लिख दे, तो आपको मैं दोबारा से एक बार ये चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 लिखकर राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको पढ़ाया था असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है एक्सरसाइज में, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब किसी भी नंबर को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, 41839, फिर लिखा है 41893, फिर आपका है 43981। तो आपका इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर है, ये आपका सबसे छोटा नंबर है। ये देखो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है पहले से, अपन ने ही लिख दिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, आपको पहले से ही सही लिखा था। सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन आपका 19806 1988 1988 देन 1990 तो अभी देखो ये कैसा नंबर है, आपका सबसे छोटा नंबर आपको ये दिखाई देगा क्योंकि सारे 5 डिजिट के नंबर है, ये 4 का है, आपको सबसे पहले यही नंबर लिखना होगा। बट देन कौन सा होगा, ये वाला 19806। नेक्स्ट देन दिस आफ्टर दैट दिस इज योर ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से ट्रू फॉल्स है, तो 10 देख लूं। 10 में ट्रू फॉल्स फर्स्ट प्लेस वैल्यू 4 है, 4000 है, यस, क्योंकि 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, इसलिए जो फर्स्ट होगा आपका वो क्या होगा, ट्रू। फिर सेकंड 87269 विल बी कम बिफोर, क्या ये इसके पहले आता है, नहीं आता है, क्योंकि 169 के बाद क्या आता है, 87170, यहाँ तो 269 लिखा, इसका मतलब है कि ये क्या है, गलत। थर्ड देखो 270 इज ग्रेटर देन 370 दिस रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ 80045 कैन बी रिटन एज, तो ये भी गलत है, तो ये भी आप करते हो कौन सा। ओके, तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा हो चुका है। अब आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर स्कूल को इन्फॉर्म करिए, तो आपको इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज किया जाएगा या उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा स्पेशली। और अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, एग्जाम चैप्टर नंबर 2। ओके, सी यू टुमॉरो।